हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक तथा लवण को पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण के प्रकार। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर यह वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह जल में घुल करके H+ आयन देता है, और यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, तो इसका सही जवाब होगा अम्ल। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है ताकतवर यानी कि मजबूत, और दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कि कमजोर या फिर वीक। प्रबल अम्ल में हो जाएगा HCl या फिर H2SO4, और दुर्बल अम्ल में हो जाएगा CH3COOH। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। देखिए, सांद्र क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है और जल की मात्रा कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सांद्र। और तनु, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होता है और जल की मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं तनु। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि क्षारक क्या होता है, जो जल में घुल करके OH- देता है, यानी कि OH- आयन देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्षारक। यह स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि यह लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षारक, क्षार और भस्म, तीन में पहले अंतर समझते हैं। क्षारक और भस्म एक ही होता है, लेकिन क्षारक और क्षार में अंतर होता है। क्षारक जो स्वाद में कड़वा होता है, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है लेकिन वह जल में घुला हुआ रहना चाहिए। अगर जल में घुला हुआ नहीं है तो उसको हम लोग क्षार नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्षारक बोलेंगे। क्षारक जल में घुला हुआ भी रह सकता है या फिर जल में नहीं भी घुला हुआ रह सकता है, लेकिन क्षार जो होता है केवल जल में घुला हुआ ही रहता है। जिस प्रकार अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार क्षार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक में प्रबल क्षार और दो में दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में हो सकता है NaOH या फिर KOH, ये सब प्रबल क्षार है, और दुर्बल क्षार में हो सकता है NH4OH। क्षार को पहचानने के लिए हमेशा क्षार में OH अंत में रहता है, ज़्यादातर इस प्रकार से OH रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि लवण क्या होता है। लवण को हम लोग नमक कहते हैं। जब अम्ल तथा भस्म को हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को लवण प्राप्त होता है, लवण अपलस जल प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग अम्ल और भस्म को रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को लवण प्राप्त होता है। यानी कि लवण क्या होता है, अम्ल तथा भस्म के परस्पर क्रिया से जो उत्पाद निकलता है उसको हम लोग लवण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि pH मान क्या होता है। pH मान को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, अम्ल के pH मान 7 से हमेशा कम रहता है, और भस्म का pH मान 7 से ज़्यादा रहता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और भस्म स्वाद में कड़वा होता है, और 7 जिसका pH मान होता है वह उदासीन होता है, नहीं कड़वा होता है और नहीं खट्टा होता है। यानी कि शुद्ध जल जो होता है यह उदासीन होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जब हम लोग अम्ल और भस्म के रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को नमक के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है, यानी कि लवण और प्लस जल। लवण के एग्जांपल में हो सकता है NaCl, इस लवण है, और जल तो आप लोग जानते हैं H2O होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।